दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कोई भी कपल बैद्यनाथ धाम देवघर में अपना गठबंधन करवाते हैं तो उनका साथ जन्मों जन्मांतर का हो जाता है, जैसे कि माता गौरी और भगवान शिव का है। यहाँ अधिकतर न्यू मैरिड कपल अपना आकर गठबंधन करवाते हैं, पर आपकी शादी के चाहे कितने भी साल हो गए हों, आप जब चाहें यहाँ आकर अपना गठबंधन करवा सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर आपको शिव भगवान के मंदिर और माता गौरी के मंदिर के साथ गठबंधन देखने को मिलता है। जिस तरह से बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, वैसे ही यहाँ पर माता गौरी का शक्ति पीठ भी है। कहा जाता है यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था और तब से माता शक्तिपीठ के रूप में यहाँ स्थापित हैं। शिव भगवान के दर्शन के बाद ब्राह्मण देवता ने हमें हमारे हाथों में लाल रंग का पतला सा रिबन का एक गोला दिया, जिसे हम बैद्यनाथ मंदिर से लेकर माता पार्वती के मंदिर तक ले जाकर बांधना था। यहाँ पर बांधने के बाद कोई दूसरा मंदिर का ही कोई व्यक्ति रिबन को ऊपर मंदिर के गुंबद में एक दूसरे बैद्यनाथ भगवान और माता पार्वती के मंदिर के साथ बांध देते हैं। और हमें बचा हुआ गोला हमारे आंचल में दे दिया जाता है और यहाँ पर हम उस सज्जन को जिन्होंने हमारे रिबन को ऊपर तक ले जाकर बांधा, उन्हें रुपए के रूप में न्योछावर देते हैं। अब माता गौरी और शिव भगवान का गठबंधन पूर्ण हुआ। वो धागा का प्रसाद देगा ना, ले लीजिएगा आंचल में, उसको घर में जाओ, पैसा कौड़ी लौकर रख के उसमें रख दीजिएगा और अपने अपने वाइफ को माता में रखिए, छावर दीजिएगा। भोलेनाथ की कृपा से हमें यहाँ बहुत ही अच्छे एक ब्राह्मण देवता मिल गए जिन्होंने हमारा पूरा कार्य विधि विधान से पूर्ण करवाया। ऐसा लगा जैसे भगवान का भेजा हुआ दूत हो। अंत में हम उन्हें दान दक्षिणा देकर उनसे विदा लेते हैं। सच है, इस तरह का गठबंधन आपके जीवन को स्फूर्ति और प्रेम से भर देता है। बोलबम, हर हर महादेव।